दोस्तों मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। दोस्तों मिशन रानीगंज फिल्म जो है इसका फर्स्ट शॉप मैंने देख लिया है। फिल्म कैसी लगी ये सब बताने वाला हूँ अभी तक। इससे पहले कि आगे बढ़ो आप लोग से गुजारिश है, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, सिर्फ वीडियो देख के दर जाइएगा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह आपके लिए फर्स्ट शो देख रहा हूँ और यहाँ पर एकदम रियल बात करने वाला हूँ बिना समोसा खाए। तो यहाँ पे एकदम ऑनेस्ट बात होने वाली। तो यहाँ पर अक्षय कुमार का जो रोल है, जो करेक्टर है, बहुत ही इंटेंस है। जसवंत सिंह गिल का वो रोल प्ले कर रहे हैं। 1989 की कहानी आप सभी जानते हैं, ट्रेलर से आपको पता ही होगा, टीजर से आपको पता ही होगा, कुछ नया मैं बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर तीनू सूरज देसाई ने फिल्म को बांधा है अभी तक, बहुत काबिल तारीफ़ है। प्रियंका चोपड़ा के साथ ही छोटे मोटे सीन्स है, कमी सीन्स है बहुत, और ज़्यादातर पूरा जो रानीगंज जो झारखंड के अंदर क्या बोलते हैं आसनसोल के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ के इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 71 माइनर्स फंस जाते हैं। उन 71 माइनर्स को कैसे अपने दम पर जान पे खेल कर निकालते हैं जसवंत सिंह गिल, उसकी ये कहानी है। कुछ लोग सपोर्ट में है जसवंत सिंह गिल के, कुछ लोग अगेंस्ट में है, और कैसे क्या कुछ होता है ये इस फिल्म की कहानी है। अभी तक जो प्लॉट है इस फिल्म का मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म लोगों को बहुत 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 पसंद आने वाली है। मुझे फिल्म ने एंटरटेन किया, मुझे फिल्म पसंद आई, मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छी तरह से फिल्म को बांधा गया है और हर चीज़ एकदम सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि करेक्टर्स बहुत अच्छे लिए गए हैं। कुमुद मिश्रा को लिया गया है, इसके अलावा पवन मल्होत्रा सर है इस फिल्म में, और ऐसे दिव्यन्दु भट्टाचार्य जी है, चटर्जी है, वैसे कई सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने, उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ऑर्गेनिक है, इसीलिए हर एक करेक्टर को लिखा भी अच्छे से गया, इसलिए हर एक करेक्टर आपको इस फिल्म का याद रहेगा अभी तक, जो इस फिल्म की सबसे खास बात है। हाँ, एक फिल्म का एक जो वीक पॉइंट है हल्का फुल्का जो अभी तक मुझे नजर आया, वो इसका VFX, और अगर VFX आप इग्नोर कर दें तो फिल्म आपको अभी तक अच्छी लगेगी, ये बात तय है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, अभी तक के लिए जो फिल्म को रेटिंग देनी चाहिए हर चीज़ों को, छोटी बड़ी चीज़ों को देखते हुए, वो मैं अभी तक 3.5 स्टार देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, 3.5 स्टार देना चाहूँगा। ये रेटिंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकती है फिल्म के सेकेंड हाफ को देखते हुए, लेकिन फिल्म का पहला हाफ अभी तक मुझे 3.5 स्टार की वैल्यू दिखाता है। यहाँ पर पिपली लाइव वाले जवान वाले नत्था भी है और रवि किशन है, तो अच्छी फिल्म अभी तक नज़र आ रही है। तो अभी तक अगर मैं, मुझसे कहा जाए तो क्या पैसा वसूल हुआ है, तो मैं कहूँगा हाँ, मेरा अभी तक तो इस फिल्म को देखने का पैसा वसूल हुआ है। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।